अलगू प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महामली आपकी खिदमत में हाज़िर है पिछले प्रोग्राम में हमने शेप के साथ कप बनाना सीखे थे उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी आज के प्रोग्राम में हम शेप्स के साथ वास यानी कि गुलदान बनाना सीखेंगे सबसे पहले ड्राइंग के लिए मैं मकैनिकल पेंसिल ले रही हूँ सबसे पहले ये रेक्टेंगल शेप ड्रा कर ली अब इसके अंदर मैं ट्रायंगल ड्रा करूंगी में पहले दरमियान से लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारी दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादातर ड्राइंग के लिए यूज़ होती है जिसको हम जैसे सिक्कों वाली पेंसिल इसको कहते हैं ये उस तरह से है ये ड्राइंग के लिए इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये इसका सिक्का हमेशा बारीक रहता है ये ट्राइंगल ड्रा हो गई इसको थोड़ा फाइन कर लेते हैं अब यहाँ से हम आगे की शेप ड्रा कर लेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना इस लाइन के यहाँ गैप है इतना ही यहाँ पे गैप रहे और ये वॉज आ गई अब इसको शेप को थोड़ा फाइन कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाइन है वो पेंसिल रेजर से मैं मिटा दूंगी मैकेनिकल पेंसिल इतनी डार्क नहीं होती इसलिए जब ड्राइंग में कोई मिस्टेक हो तो उसको मिटाने के लिए भी यही बेहतर रहती है अब इसकी थोड़ी ऊपर से शेप सही कर लेते हैं अब ये दो शेप्स थी एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल इससे हमारे पास इस गुलदान की शेप तैयार हो गई है अब इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं जो मेजरमेंट्स के लिए हमने ली थी उसको रेस कर देते हैं क्योंकि एक गुलदान जो सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसके अंदर खाली जगह होती है वो क्योंकि राउंड होती है इसलिए उसको दिखाने के लिए हम इसका बॉटम हमेशा राउंड रखते हैं थोड़ा सा ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लगाएंगे थोड़ा सा राउंड रखेंगे ये लाइट पड़ रही है इसका मतलब है कि ये एरिया हमारा लाइट है ये एरिया डार्क है इसके लिए मैं शेडिंग की पेंसिल ले लूँगी शेडिंग के दो तरीके हैं या इस तरीके से कर ली जाए कि आप पहले पूरा ज़रा सा इसके अंदर शेड दे, दे दें और उसके बाद डार्क एंड लाइट निकाल लें या इसका ये तरीका है जो हम बाकी किस्तों में करते रहे हैं कि डार्क से हम लाइट की तरफ गए हैं कि डार्क पेंसिल लेके आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लाइट मिक्स किया है लेकिन अगर ये वैसे भी अगर इसके अंदर शेड भरना है तो हम इसकी शेप के हिसाब से ही रखेंगे सीधा नहीं रुख रखेंगे इसकी शेप इस तरह से जा रही है तो इसको फिल भी हम इसी तरह से ही करेंगे ऐसा आसता ये सीधा हो जाएगा और यहाँ पे आके फिर से ये इस शेप में आ जाएगा शेड के लिए बस रफ सा अंदर हम कलर कर देंगे नीटनेस के लिए जो जिस शेडिंग की जितना शेडिंग डार्क है उस हिसाब से उतनी डार्क पेंसिल लेके उसको नीट कर लेंगे जैसे कि अब क्योंकि लाइट इस साइड से आ रही है तो ये एरिया डार्क है इसके लिए मैंने नाइन भी ले ली है अब मैं इसको नीट कर लूँगी ये एरिया क्योंकि राउंड है तो इसकी शेडिंग भी ऐसे राउंड में ही जाएगी यहाँ आगे के लिए थोड़ी लाइट पेंसिल ले लगाते हैं यहाँ आगे के लिए जो टू बी से ड्रॉ अंदर लाइट शेड किया था तो क्योंकि लाइट पड़ रही है तो इसलिए इसको इसी पेंसिल से थोड़ा सा नीट कर लेंगे उस साइड पे किया था कि इसकी ये रुख है तो इसकी शेडिंग भी इसी रुख ही होगी साथ साथ इसको नीट कर लेते हैं और ये लाइट है मतलब ये लाइट है ये वाला एरिया डार्क है जो अंदर हमने शेड देना होता है वो हमेशा ऑपोजिट जाता है अगर ये डार्क है तो इधर से ये डार्क होगा और इसकी मोटाई दिखाने के लिए ये मेरी इसका कमी अब जहाँ जहाँ खाली स्पेसेस रह गई थी उसको फिल कर लेते हैं अब यहाँ पे मैं डार्क एरिया में टू बी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नीचे डार्क की लेयर हो चुकी हुई है अब मैं मज़ीद उसको डार्क से करूँगी तो वो नाइन बी वाली साइड से भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो इसलिए मैंने टू बी लिया है अब यहाँ पे बैकग्राउंड की लाइन दे देंगे ये लाइन इसलिए लगाते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये किसी चीज के ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका शेडो आ जाएगा कॉम्पोजिशन को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेड दे दें अब इस साइड से लाइट है तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया डार्क होगा अब इसको बैकग्राउंड से अलग करने के लिए इसकी आउटलाइन को हम शार्प कर लेंगे एक दफ़ा फिर से जहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह रह गई उसको फिल कर लेते हैं ताकि नीटनेस आ जाए नाजरीन हमारी आज की स्केचिंग तैयार है इसकी आप घर में प्रैक्टिस करें क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके हाथ में महारत आएगी शेप से डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश करें अब महामली को दीजिए इजाज़त अगली में नई चीज़ के साथ आपकी खिदत में हाज़िर होंगे असल वरम्ह वर्क